हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज के इस वीडियो में हम कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वन आज कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। और आने वाली वीडियोस जो हैं आपको कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में चैनल के। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर वन है कॉरपोरेशन टैक्स। तो ये क्या होता है, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट और डिविडेंड टैक्स। तो ये छः के छः टॉपिक आज हम कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन पर भी मिलेगी कि इस चैप्टर से एग्ज़ाम का क्या क्वेश्चन आता है, उसको भी हम कवर करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अभी हम चैप्टर वन पूरा कवर कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे जो कि इस चैप्टर में है पूरी इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में आती ही आती हैं और जिनका मीनिंग आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कॉरपोरेशन टैक्स से। तो कॉरपोरेट टैक्स आपने अगर पहले भी पढ़ा होगा या फिर आपने नहीं भी पढ़ा तो बहुत ही ईजी मीनिंग है इसका। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ये ना कंपनीज़ के द्वारा पे किया जाता है, मतलब ऐसा टैक्स जो कंपनी पे करती है, कंपनी द्वारा पेएबल होता है, वो कहलाता है हमारा कॉरपोरेशन टैक्स। और साथ में यहाँ पर हमें गिवन है, एक सेकेंड, साथ में हमें यहाँ पर गिवन है एट प्रिस्क्राइब्ड फ्लैट रेट ऑन देयर टोटल इनकम, हाउ एवर स्मॉल द टोटल इनकम मे बी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनीज को ये टैक्स पे करना होता है फ्लैट रेट्स जो है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हाँ भाई इतनी इनकम हुई तो आपका इतना परसेंट जो है टैक्स लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट रेट्स जो भी होते हैं प्रिस्क्राइब। और अपनी टोटल इनकम पर, ऑब्वियसली जो भी कंपनी की टोटल इनकम होती है उस पर, टोटल इनकम क्या होती है, जब जितनी भी इनकम होती है कंपनी की हम वो लिखते हैं, फिर हमारी जो भी यू नो जीटीआई निकल करके आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम, और उसमें से हम क्या करते हैं जो भी डिडक्शंस वगैरह हैं वो सब हम लेस करके हमारी टोटल इनकम आती है, और फिर आगे हमारा सरचार्ज वगैरह और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड होता है, राइट। तो टोटल इनकम पर जो है फ्लैट रेट पर टैक्स चार्जेबल होता है, कंपनीज को पे करना होता है, वही हमारा कॉरपोरेशन टैक्स होता है। और यहाँ पे बोला गया है कि हाउ एवर स्मॉल द टोटल इनकम मे बी, कि कंपनी की चाहे बहुत ही कम इनकम क्यों ना हो कंपनी को टैक्स पे करना ही होगा। आगे हमसे बोला गया है कि हाउ एवर देयर आर डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। तो हम जानते हैं अलग अलग टाइप की हमारी कंपनीज होती हैं, फॉरेन कंपनी होती है, डोमेस्टिक कंपनी होती है, इंडियन कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। अगर आपने ये कंपनीज़ वाली वीडियो देखनी है तो आपको एक मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी कंपनीज़ की वीडियो, टाइप्स ऑफ कंपनीज़ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे बाय लर्निंग विद कोमल, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस टाइप की कंपनीज़ होती हैं। ओके, तो हम जानते हैं अलग अलग टाइप की कंपनीज होती हैं और उनकी टाइप्स ऑफ इनकम भी ऑब्वियसली अलग होता है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी केंद्रीय सरकार है, उनको ये एक्सक्लूसिव पावर होती है कॉरपोरेशन टैक्स से रिलेटेड कानून बनाने की। तो यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर है। और साथ में यहाँ पे हमें गिवन है कि आर्टिकल 366 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 366 क्या बोलता है कि कॉरपोरेशन टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन इनकम, इनकम पर टैक्स लगाया जाता है सो फार एज दैट टैक्स इज पेएबल बाय कंपनीज, और ये जो टैक्स है वो कंपनीज पे करती हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जैसे एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे करता है ना, वैसे कंपनी भी क्या करती है, इनकम टैक्स पे करती है, बस उस इनकम टैक्स को क्या बोल दिया जाता है, कॉरपोरेशन टैक्स। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द इनकम टैक्स पेड बाय अ कंपनी ऑन इट्स इनकम इज नोन एज कॉरपोरेशन टैक्स, कि जो भी एक कंपनी इनकम टैक्स पे करती है ना अपनी इनकम पर, वही क्या कहलाता है, कॉरपोरेशन टैक्स कहलाता है। तो द टैक्स पेड बाय अ कंपनी ऑन इट्स इनकम इज नॉट ट्रीटेड एज द टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स शेयर होल्डर। हम जानते हैं, हम ना जानते हैं
कि कंपनीज के जो ऑनर होते हैं वो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि क्या शेयर होल्डर्स अपना टैक्स पे कर रहे हैं? नहीं, कंपनी अपना टैक्स पे कर रही है, नॉट शेयर होल्डर। का जो एंटिटी है वो अलग है कंपनी से। हम पढ़ चुके हैं ना कंपनीज एक्ट 2013 में, हमने पढ़ा है कि शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट एंटिटी और कंपनी जो है एक सेपरेट एंटिटी है। तो ये कंपनी अपना टैक्स पे कर रही है अपनी इनकम पर। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना कंपनी के, वो अपना डिविडेंड पे करेंगे टैक्स, अपनी उनकी इंडिविजुअल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात इसीलिए बोली गई है कि शेयर होल्डर अलग होते हैं, वो अपना टैक्स अलग पे करते हैं जो भी उनकी इनकम होती है, बट कंपनी एक सेपरेट और लीगल एंटिटी है, कंपनी अपना टैक्स पे करती है। वो कोई शेयर होल्डर के बिहाफ पे उनका टैक्स नहीं पे करती, वो अपना खुद का टैक्स पे करती है। और जो भी एग्जेम्पशंस हमें गिवन है इनकम टैक्स एक्ट में, वो भी कंपनी को मिलते हैं। एग्जेम्पशंस मतलब टैक्स में छूट, राइट? जो ऐसी कुछ इनकम्स होती है ना जिसमें हमें एग्जेम्पशंस होती हैं वो। ओके, तो आई होप कॉरपोरेशन टैक्स बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग था। नाउ लेट्स मूव ऑन टैक्स इवेजन। तो काफ़ी बच्चे यू नो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं किस में, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में। वो सोचते हैं कि मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, या फिर वो गलती से टैक्स अवॉइडेंस में टैक्स इवेजन का मीनिंग कराते हैं और टैक्स इवेजन में अवॉइडेंस वाला मीनिंग कराते हैं। तो आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है इन दोनों का, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो टैक्स इवेजन का सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मतलब क्या है। टैक्स इवेजन का मतलब है कि ना जो टैक्स पेयर है, यानी कि एक पर्सन, एक टैक्स पेयर, एक असेसी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है अपनी टोटल इनकम को रिड्यूस, कम कर रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि ना उसको टैक्स पे नहीं करना, मतलब वो कह रहा है कि मेरे ना बहुत सारे खर्चे हो गए हैं और उस खर्चों को वो दिखा रहा है अपने अकाउंट्स में, फॉल्स क्लेम्स कर रहा है वो। और क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी मंशा क्या है कि उसको ना टैक्स चोरी करना है, मतलब वो टैक्स पे करना नहीं चाहता बेसिकली। और ऐसा वो किस तरीके से कर रहा है? टैक्स इवेजन के ज़रिए कर रहा है। टैक्स इवेजन का मतलब फॉल्स क्लेम करना कि हाँ भाई खर्चा तो हुआ 50,000 का, बट मैं दिखाऊंगा 80,000 का, इतना खर्चा हुआ। तो बेसिकली फॉल्स, झूठे क्लेम करना ताकि इनकम टैक्स की अमाउंट कम हो पाए, ताकि इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसकी वो कम हो जाए। तो ये हमारा टैक्स इवेजन होता है। ऑब्वियसली इलीगल तो है ही है, साथ में इमोरल, एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि हम अपने ही देश के लिए एंटी सोशल है हम। टैक्स हम किस लिए पे करते हैं? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, बट हम टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो ये इमोरल हुआ ना, एंटी सोशल हुआ ना, एंटी नेशनल प्रैक्टिस हुआ ना, दैट्स वाई। तो अब किस तरीके से वो टैक्स इवेजन कर सकता है? तो यहाँ पे उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूँ कि हमारे जो डायरेक्ट टैक्स लॉ है, यानी कि हमारा जो इनकम टैक्स है या कॉरपोरेट टैक्स है, उसमें प्रोविजंस बने हुए हैं इम्पोजिशन ऑफ हैवी पेनल्टी की। कोई भी पर्सन, कोई भी असेसी अगर ना टैक्स इवेजन की प्रैक्टिस करेगा, यानी कि वो ऐसा कुछ फॉल्स क्लेम करेगा और बाद में अगर वो पकड़ा गया, तो उस पर भारी पेनल्टी लगाई जाएगी, इम्पोज करी जाएगी। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? टैक्स इवेडर बोलते हैं। जो टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स इवेजन की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि ऐसे काम करते हैं, फॉल्स क्लेम्स करते हैं, झूठा क्लेम्स करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? टैक्स इवेडर। तो अब इन्होंने बोला है कि वो किस तरीके से अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि अनरिकॉर्डेड सेल, मतलब सेल तो हुई बहुत ज़्यादा, बट वो दिखा रहे हैं कि बहुत कम सेल हुई। तो ये क्या हुआ? टैक्स से बचने की एक प्रैक्टिस हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन बोलते हैं। क्लेमिंग बोगस एक्सपेंसेस, बैड डेट्स एंड लॉसेस, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो है ही नहीं, लाइक हमारे कोई बैड डेट है ही नहीं, फिर भी हम दिखा रहे हैं कि बैड डेट है, कि हमारे इस डेटर ने पैसे ही नहीं दिए, है ना? तो ये क्या है? दिखावा है कि हाँ भाई लॉस हो गया हमको, बैड डेट, हमारे को इस डेटर ने पैसे देने थे, इसने दिए ही नहीं। अब सरकार या असेसिंग ऑफिसर क्या उस डेटर से पूछताछ करेगा क्या कि आपने इतने पैसे नहीं दिए? तो बेसिकली कर भी सकता है, जिस वजह से इसका फॉल्स क्लेम पकड़ा भी जाए।
तो ये क्या है, बैड डेट एंड लॉसेस का दिखा सकता है वो, क्लेम कर सकता है। उसके बाद चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज बिजनेस एक्सपेंसेस, खर्चा तो किया उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बट दिखा दिया कि ये तो बिजनेस का खर्चा है जी, जैसे कि कार के एक्सपेंसेस हो गए, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलिंग, मेडिकल, है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये टैक्स इवेजन की प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हम टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिशें कर रहे हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज ना करना, है ना। तो ये सब क्या है, मतलब हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, बेनामी ट्रांजैक्शंस, तो इसमें हम अपना नाम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, बट है वो हमारी ही। तो बेसिकली ये सारा जो है प्रैक्टिसेस हैं टैक्स इवेजन की, जिसमें इंसान अपनी टोटल, आई मीन असेसी जो है अपनी टोटल इनकम, टोटल टैक्स लाइबिलिटी को कम करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे एक और भी पॉइंट दिया गया है, 80G के अंतर्गत जो कॉरपोरेट्स को डिडक्शन मिलती है ना, उसके अंतर्गत झूठी क्लेम्स करना कि हमने चैरिटी करी है, हमने डोनेशन करा है, तो ये सब आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवॉइडेंस क्या है। ये तो इवेजन था जिसमें फॉल्स क्लेम किए जाते हैं, अब हम बात करेंगे कि टैक्स अवॉइडन क्या है, अवॉइडेंस क्या है। तो इसका ना आप एक छोटा सा वर्ड नोट कर लो, लूप होल। क्या बोलेंगे टैक्स अवॉइडेंस को, लूप होल। लूप होल निकालना, किस में निकालना, लॉ में, कानून में लूप होल निकालना, मतलब कानून में कमी निकालना, कानून में कमी निकाल के अपने टैक्स को बचाना, ये टैक्स अवॉइडेंस है। तो यहाँ पर बोला गया है कि टैक्स अवॉइडेंस क्या है, आर्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ, मतलब कानून को वो तोड़ नहीं रहा है असेसी, बट फिर भी अपने टैक्स को कम कर रहा है। ये एक ऐसा मेथड है टैक्स रिड्यूस करने का, टैक्स को कम करने का, जिसमें ना कानून में कमियां निकाली जाती हैं, कानून में कमी निकाल कर, कानून के लूप होल्स फाइंड आउट करके, उनको अवेल करके अपने टैक्स को कम कर देना। द रॉयल कमीशन ऑफ टैक्सेशन फॉर कैनेडा हैज़ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। तो ये कनाडा ने एक्सप्लेन किया है, रॉयल कमीशन है जो कनाडा की, उन्होंने की जो कंसेप्ट लाया है टैक्स अवॉइडेंस का, कि लोग ऐसा करते हैं, कानून में कमियां निकालकर अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करते हैं कि कानून के लूप होल्स देख के, जैसे कि क्या। तो यहाँ पे बोला गया है, द एक्सप्रेशन टैक्स अवॉइडेंस विल बी यूज टू डिस्क्राइब एवरी अटेम्प्ट बाय लीगल मीन्स, मतलब वो कानून के ही जरिए, मतलब वो चल कानून के अकॉर्डिंग ही रहे हैं, बट फिर भी वो कोशिशें कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं कानून में, ताकि उनकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो सके। मतलब यहाँ पे वो लॉ ब्रेक नहीं कर रहे, यहाँ पे वो कानून को तोड़ नहीं रहे हैं, वो कानून में ही कमियां निकाल कर अपने टैक्स को कम कर रहे हैं। तो मीन्स टू प्रिवेंट और रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी, ऑब्वियसली वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करना है ना, यही उद्देश्य है। तो वो कानून में लैक ऑफ प्रोविजन, कानून में कमियां देखते हैं और जो है इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस होता है। एक बात और यहाँ पे बोली गई है कि अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो टैक्स अवॉइडेंस एक ऐसा डिवाइस है जो टेक्निकली सेटिस्फाई करता है किस चीज़ को, द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, बट इन फैक्ट इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लेजिस्लेटिव इंटेंट। तो इस बात का ये मतलब है कि टैक्स अवॉइडेंस एक ऐसा डिवाइस है जिसमें वो असेसी ना टेक्निकली तो सारी जरूरतों को, सारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो कानून तो तोड़ ही नहीं रहा, वो तो कानून के दायरे में ही काम कर रहा है, बट वो कानून में कमियां देख रहा है विद द लेजिस्लेटिव इंटेंट, मतलब बट इन फैक्ट इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लेजिस्लेटिव इंटेंट। लेजिस्लेटिव इंटेंट का मतलब है कि कानून चाहता है कि टैक्स देना है, टैक्स पे करे, कि ईमानदार व्यक्ति टैक्स पे करे, बट व्यक्ति असेसी क्या कर रहे हैं, उनकी तो मंशा क्या है, टैक्स बचाने की है, और वो कानून में ही कमियां निकाल कर अपने टैक्स को बचाते हैं। तो यही हमारा टैक्स अवॉइडेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है। तो टैक्स प्लानिंग क्या है, देखिए टैक्स प्लानिंग
may be defined as an arrangement of one's financial affairs in such a way that without violating, basically हम planning कर रहे हैं, देखिए basically हम ना planning कर रहे हैं, हम क्या planning कर रहे हैं, हम अपने tax की planning कर रहे हैं, तो एक arrangement है, किस चीज़ का arrangement, financial affairs का, इस तरीके से उनको हम arrange करें कि हम किसी भी चीज़ का उल्लंघन ना करें, किसी भी चीज़ को violate ना करें, किसी भी लॉ को हम ब्रेक ना करें, लीगल जो भी प्रोविजंस हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट के, हमें उनके अंतर्गत उनके दायरे में काम करना है और हमें पूरी एडवांटेज लेनी है कि जो भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्पशंस मौजूद हैं, जो भी डिडक्शंस हैं, जो भी रिबेट्स हैं, रिलीफ जो हमें मिलता है इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू, उनका हमको फ़ायदा उठाना है। उनका फ़ायदा अगर हम उठाएंगे क्यों, क्योंकि ये तो सरकार खुद ही दे रही है, तो ये गलत नहीं है। तो टैक्स प्लानिंग का यही मतलब होता है, जो एक सही चीज़ है टैक्स प्लानिंग, कि आप ना सरकार द्वारा दिए गए ही चीज़ों की एडवांटेज उठा रहे हो। लाइक सरकार ही इस इनकम पर एग्जेम्पशन दे रही है तो आप उठाओगे ना एडवांटेज, सरकार ही डिडक्शन दे रही है तो आप इस चीज़ के एडवांटेज उठाओगे, वो गवर्नमेंट रिबेट दे रही है, रिलीफ दे रही है, तो ये सब क्या है, परमिटेड है, मतलब कानून इसकी इजाज़त देता है। तो जब कानून इसकी इजाज़त देता है तो ये एक सही एक्टिविटी है। तो हम अपने टैक्स की कुछ इस तरीके से प्लानिंग करते हैं, अगर हमको टैक्स बचाना है तो हम अपने देखेंगे ना कि हाँ भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले कि अगर आपको एक असेसी को ATC के अंतर्गत डिडक्शन लेनी है, वो चाहता है कि ATC के अंतर्गत उसको डिडक्शन मिले, थोड़ी उसकी टैक्स लाइबिलिटी यू नो कम हो जाए, कम पे करनी पड़े, तो वो क्या कर सकता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है, राइट, है ना। तो उसमें उसको डिडक्शन मिल जाएगी जितने के भी उसका प्रीमियम अमाउंट होगा, बट हम जानते हैं 1.5 लाख जो है वो मैक्सिमम अमाउंट है ना। तो बेसिकली हम फ़ायदा उठा रहे हैं एग्जेम्पशंस का, डिडक्शंस का, जो कि सरकार हमें खुद दे रही है। तो ये क्या है, हम अपने टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इतना ही टैक्स दें, हम ज़्यादा टैक्स ना दें और हम कुछ बचाएं, तो दैट्स व्हाई। और जैसे कि हमने पढ़ा है काफ़ी सारे डिडक्शंस में कि फंड्स जो होते हैं हमारे नेशनल फंड्स, उनमें भी अगर हम डोनेट करें तो हमको जितनी भी अमाउंट हम डोनेट करते हैं वो उसकी हमें पूरा टैक्स में से माइनस हो जाएगा, हमारी टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस हो जाता है ना, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो बेसिकली हम टैक्स प्लानिंग में क्या कर रहे हैं, हम अपने टैक्स को बचा रहे हैं, बट सही तरीके से बचा रहे हैं, सही इंटेंट से, और जो भी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है उस तरीके से। यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दिए हुए हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं, बट मैंने आपको प्रोवाइड कराया था ATC का। देखिए यहाँ पे ATC का प्रोवाइड है कि GTI में से आपको ATC के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे आप HUF हो, तो आप अपना अमाउंट सेव कर सकते हो। अगर आप जो भी ATC के अंतर्गत प्रिस्क्राइब्ड स्कीम है उसके अंतर्गत आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप जो है ATC के अंतर्गत डिडक्शन ले सकते हैं। तो यही क्या है, हमारी टैक्स प्लानिंग है। और यहाँ पे बोला गया है, इफ़ अ पर्सन टेक द एडवांटेज ऑफ डिडक्शन, ही नॉट ओनली रिड्यूसेस हिज टैक्स लायबिलिटी बट ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजिस्लेचर। अब हमको सरकार क्यों देगी डिडक्शन, सरकार कह रही है कि आप इस फंड में, नेशनल फंड में डोनेट करिए, आपको टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। तो सरकार की मंशा क्या है कि उस फंड में अगर पैसा आएगा तो वो वेलफेयर के लिए होगा। लाइक हमारा काफ़ी होते हैं ना, लाइक जिसको हम बोलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए फंड्स होते हैं, लाइक फ्लड आ गया या है ना, काफ़ी सारे। तो बेसिकली लेजिस्लेचर यानी कि जो सरकार के ऑब्जेक्टिव हैं वो भी पूरे होते हैं, साथ में SSC की टैक्स लायबिलिटी भी कम होती है, उसको ये संतुष्टि मिलती है कि मैंने टैक्स कम दिया और मैंने जो है डोनेशन भी दिया फंड्स में, राइट। तो बेसिकली टैक्स प्लानिंग क्या है, आपको ये लिखना है कि ये एक लॉफुल एक्टिविटी है, ये एक सोशल एक्टिविटी है, ये एथिकल है, ये अच्छा है। तो टैक्स प्लानिंग क्या है, एक ऐसी एक्ट है जिसमें हम विद इन दी फोर कॉर्नर्स ऑफ द एक्ट, इट इज़ नॉट अ कलरेबल डिवाइस टू अवॉइड द टैक्स। ये कोई रंगीन डिवाइस नहीं है जिसमें आप टैक्स अवॉइड करें, ये एक अच्छी एक्टिविटी है जिसमें आप प्लानिंग कर रहे हो, दैट्स व्हाई। चलिए फिर क्लियर है हमें ये टैक्स प्लानिंग। अब आ जाइए टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में क्या फ़र्क होता है। देखिए अभी हमने दोनों के मीनिंग पढ़े,
हमने पढ़ा कि टैक्स अवॉइडेंस में लूप होल निकाला जाता है, कानून में कमियां निकाली जाती हैं, जो कि एक अच्छी इंटेंट नहीं होती असेसी की। लेकिन टैक्स प्लानिंग में कोई हम कमियां नहीं निकाल रहे, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम तो एथिकली चल रहे हैं। तो बेसिकली यही इसका डिफरेंस होगा। नंबर वन अगर हम पढ़ें तो टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ लॉ एंड फॉलोड वाइल, मतलब यहाँ पे हम कानून को फॉलो कर रहे हैं टैक्स प्लानिंग में। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, टैक्स को हम कानून में कमियां निकाल कर, कानून की कमियों का फ़ायदा उठाकर अपना टैक्स कम कर रहे हैं। तो ये पहला फ़र्क है। दूसरा, टैक्स प्लानिंग क्या है, परमानेंट है, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टेम्प्ररी है। क्योंकि आज आपने उस कानून में कमी निकाली तो क्या सरकार देखती रह जाएगी, क्या सरकार उस पर प्रोविज़न लाएगी और उस कानून को सही करेगी, तो इसीलिए ये टेम्प्ररी एक्टिविटी हुआ, राइट। तो हाउ एवर नो पेनल्टी कैन बी इम्पोज इन इधर इन द केस ऑफ टैक्स प्लानिंग और इन टैक्स अवॉइडेंस। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ना टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग में कोई भी पेनल्टी नहीं इम्पोज की जाती। ऐसा क्यों, देखिए टैक्स अवॉइडेंस में आपने कोई कानून थोड़ी तोड़ा, आपने तो कानून में कमी निकाल कर उसका फ़ायदा उठाया। पेनल्टी कहाँ लगती है, पेनल्टी लगती है टैक्स इवेजन में, क्योंकि वहाँ आप झूठ बोल रहे हो, वहाँ आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। टैक्स अवॉइडेंस में आप झूठ नहीं बोल रहे, टैक्स अवॉइडेंस में तो आप कानून तोड़ ही नहीं रहे, तो आपको किस बात की पेनल्टी, आप तो कानून में कमी निकाल रहे हो और उसका फ़ायदा उठा रहे हो। तो इसीलिए दोनों ही टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस दोनों में ही किसी भी प्रकार की आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी। टैक्स प्लानिंग तो आप लॉ के अकॉर्डिंग हो, टैक्स अवॉइडेंस भी लॉ के अकॉर्डिंग है, कोई कानून तो तोड़ ही नहीं रहे, बस आपकी इंटेंशन क्या है, फ़ायदा उठाना कानून में कमी निकाल के। क्लियर है टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस का डिफरेंस। अब आपको ये बताने की ज़रूरत है कि टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन का के बीच का क्या डिफरेंस है। देखिए टैक्स अवॉइडेंस एक लीगल एक्ट है। लीगल क्यों है, क्योंकि ये कानून थोड़ी तोड़ रहा है, ये तो कानून में कमियां निकाल रहा है। लेकिन टैक्स इवेजन इलीगल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हो, कानून से झूठ बोल रहे हो, तो दैट्स वाई ये इलीगल है। तो इन केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस द ऑब्जेक्ट एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ आर नॉट फॉलोड। हम जानते हैं टैक्स अवॉइडेंस में हम कानून के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू को फॉलो नहीं करते हैं, और टैक्स इवेजन में हम ऑब्वियसली फ्लॉटेड करते हैं, यानी कि एक तरीके से हम कानून के साथ ही फ्रॉड कर रहे हैं। और टैक्स अवॉइडेंस में हम जानते हैं कोई पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन टैक्स इवेजन में लगती है, ठीक है। चलिए अब हमारा बस तीन टॉपिक बचे हैं बस। तो सबसे पहले बात करेंगे टैक्स मैनेजमेंट की। अभी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, टैक्स मैनेजमेंट क्या है। तो देखिए टैक्स प्लानिंग जो है वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट टैक्स मैनेजमेंट के। हम जानते हैं मैनेजमेंट, जहाँ पे भी वर्ड आ जाए मैनेजमेंट, इट मींस कि सारी चीज़ों को मैनेज करना है सिस्टमैटिकली अच्छे से। तो टैक्स प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। टैक्स मैनेजमेंट क्या कवर करता है, कंप्लायंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़, कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको ये देखता है। दूसरा, कि जो भी इंसेंटिव्स हैं उसको अवेल कराना, कि जो भी हमारे को सुविधाएं अवेलेबल हैं उसको अवेल कराना, उसके लिए ये स्टेप्स लेता है टैक्स मैनेजमेंट। तीसरा, सेविंग फ्रॉम कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। अभी हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि टैक्स मैनेजमेंट जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग लीगल फॉर्मेलिटी को देखता है, सारा काम करता है। तो ऑब्वियसली अगर हम अपने लॉज के अकॉर्डिंग चलेंगे, लीगल काम करेंगे, क्योंकि टैक्स मैनेजमेंट हमको ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर लेता है, तो हम उन कंसीक्वेंसेस से बच जाते हैं कि मान लो हमसे कोई बहुत ज़रूरी ड्यूटी, स्टैट्यूटरी ड्यूटी का मतलब होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट, हमने मान लो वो नहीं करी, बट टैक्स मैनेजमेंट तो वो इस चीज़ की इंश्योर करता है ना कि हमको लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करना है, तो इस चीज़ से हमको ये बचाता है। जैसे कि क्या, सेविंग्स फ्रॉम पैनल इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन। तो बेसिकली हम इसको इतना समझ सकते हैं कि मान लो हमने कोई इम्पॉर्टेंट ड्यूटी थी, या फॉर एग्जांपल हमने ITR नहीं भरा अपना, ये क्या है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी, हमने ITR भरना था बट हमने नहीं भरा, इट मीन्स कि वहाँ टैक्स मैनेजमेंट नहीं है। अगर टैक्स मैनेजमेंट होता
तो आप सब कुछ सिस्टमैटिकली करते, मैनेजमेंट होता तो आप सब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ अकॉर्डिंगली करते। तो इसीलिए हमको ये बचाता है टैक्स मैनेजमेंट, अगर हमसे कोई ड्यूटी हम करना भूल गए हैं, बट ये इस चीज़ की इंश्योरेबिलिटी इंश्योर करता है कि हाँ जी आपका हो जाएगा। तो बेसिकली इसीलिए हमें ये इन कॉन्सिक्वेंसेस से बचाता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, रिव्यू ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑर्डर एंड इफ नीड बी अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, फाइलिंग अपील, रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन, सेटलमेंट ऑफ अ केस। तो ये ना जो भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं उनको रिव्यू करता है, ये देखता है कि कोई गलती तो नहीं करी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जानते हैं हमारे कंपनीज़ में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है ना, अलग अलग होते हैं, तो सब अपना अपना ब्योरा देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं। तो अब टैक्स मैनेजमेंट का ये काम है देखना कि कोई गलती तो नहीं हुई, अगर कोई गलती हुई है तो उसको रेक्टिफाई करना, सही करना, अपील फाइल करना, रिवीजन की रिक्वेस्ट करना एंड रिवाइज करो भाई कोई गलती तो नहीं हुई है, और सेटलमेंट करना। तो ये टैक्स मैनेजमेंट का काम होता है। अब यहाँ पर हमें टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट के बीच का फ़र्क दिया हुआ है, एक सेकंड, ये रहा। तो टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट के बीच का फ़र्क दिया हुआ है, तो हम यहाँ से पॉइंट्स से पढ़ेंगे। देखिए टैक्स प्लानिंग क्या है, वाइडर टर्म है, ओके, टैक्स प्लानिंग क्या है, वाइडर टर्म है, अच्छा, और इसी में ही हमारा टैक्स मैनेजमेंट इंक्लूड होता है। टैक्स मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टैक्स प्लानिंग, मतलब टैक्स प्लानिंग का पहला स्टेप क्या है, टैक्स मैनेजमेंट, और टैक्स प्लानिंग का जो प्राइमरी एम है, मतलब पहला उद्देश्य है, वो क्या है, टैक्स को मिनिमाइज करना है ना। टैक्स प्लानिंग में हम एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ, इन सब के एडवांटेज उठाते हैं, तो इट मींस हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम अपने टैक्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं इसीलिए। बल्कि टैक्स मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है कि हमको लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कम्प्लाई करना है, यानी कि उनको लीगल फॉर्मेलिटीज़ को देखना टैक्स मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये दोनों के बीच का फ़र्क होता है कि टैक्स प्लानिंग का उद्देश्य टैक्स को कम मिनिमाइज करना, टैक्स मैनेजमेंट का उद्देश्य लीगल फॉर्मेलिटीज़ का कंप्लायंस देखना, ओके। टैक्स प्लानिंग एक वाइडर टर्म है, इसी में ही हमारा टैक्स मैनेजमेंट इंक्लूड होता है, ऑल राइट। और आगे बोला गया है कि टैक्स प्लानिंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एवरी एसेसी, हर एसेसी के लिए टैक्स प्लानिंग ज़रूरी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों बोला गया है कि मान लो कोई एसएससी बहुत ही छोटी इनकम कमाता है, अब वो क्या डोनेशन देगा, उसका तो इतना टैक्स भी नहीं बनेगा, तो वो कहेगा कि इतना सा तो टैक्स है, दे ही दो, पे कर दो। तो इसीलिए टैक्स प्लानिंग तो वो लोग करते हैं जिनकी मोटी इनकम होती है, उनको अपना टैक्स बचाना होता है तो वो अपने रिबेट वगैरह ये सब का ध्यान रखते हैं। तो बेसिकली हर एसएससी के लिए टैक्स प्लानिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन ना टैक्स मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हर इंसान को, हर एसएससी को इंटरेस्ट वगैरह, पेनल्टी, वो सब पे करना होता है, लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करनी होती है, तो इसलिए टैक्स मैनेजमेंट तो हर एसएससी के लिए ज़रूरी है। टैक्स प्लानिंग क्या है, एक गाइड है डिसीजन मेकिंग में, कि हमको पता लग जाता है, देखो अब हमने सोचा कि यार हमको ना टैक्स कम करना है, तो टैक्स प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे ना कि हम कैसे अपना टैक्स कम कर सकते हैं, हम देखेंगे कि हमें कौन सी डिडक्शन मिल सकती है, तो हम उसी हिसाब से डिसीज़न लेंगे। हम कहेंगे कि जी ये जो इनकम हुई है ना, ये क्या कर दो, डोनेट कर दो, ताकि हमको क्या मिल जाए, टैक्स में छूट मिल जाए। तो टैक्स प्लानिंग क्या है, एक गाइड है डिसीज़न मेकिंग में, और लेकिन टैक्स मैनेजमेंट क्या है, एक रेगुलर फीचर है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है ना, इसीलिए तो ये रेगुलरली आपको करनी पड़ेगी। जब जब आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए नोटिस आएगा, यू हैव टू डू इट, सो दैट्स व्हाई टैक्स मैनेजमेंट क्या है, एक रेगुलर फीचर है। और हम जानते हैं टैक्स प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिलीफ ये सब क्लेम करते हैं, है ना, और टैक्स मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है डिविडेंड टैक्स। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, डिविडेंड टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो वेदर टैक्स शुड बी लिवाइड ऑन डिविडेंड और नॉट, तो यहाँ पे बोला गया है कि भले ही डिविडेंड पर टैक्स लगा है या नहीं लगा, इकोनॉमिस्ट आर नॉट यूनैनिमस ऑन दिस इशू,
कहने का ये मतलब है कि कुछ इकोनॉमिस्ट का ये ओपिनियन है, उनका ये विचार है क्या, व्हेन टैक्स हैज़ ऑलरेडी बीन पेड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द ओनर ऑफ द कंपनी द टैक्स शुड नॉट बी चार्ज अगेन। अच्छा जी, तो इकोनॉमिस्ट जी कह रहे हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट, उनका ये मानना है कि जब कंपनी ने टैक्स ऑलरेडी पे कर ही दिया है और बचा हुआ जो उनका प्रॉफिट है अगर वो अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड पे भी कर रहे हैं तो उस डिविडेंड पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो अपनी इनकम पर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, तो आप उस डिविडेंड पर टैक्स क्यों लगा रहे हो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी टैक्स काट के ही इनकम बची है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, क्या स्टोरी है। ओके, तो दे फर्दर आर्ग्यू, अच्छा वो आगे भी कुछ बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस। ओके, वो बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट लोन पर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो डिडक्टेबल होना चाहिए, यानी कि वो हमें एज अ एक्सपेंस शो करना चाहिए, क्योंकि हम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको काटना चाहिए। एंड जो भी बोरोअर होता है डज नॉट पे टैक्स ऑन इंटरेस्ट, उधार लेने वाले को जो है इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं पे करना चाहिए। मान लो उधार ले लो, बोरोअर ने क्या करा, लोन लिया, तो ये इकोनॉमिस्ट जी के कहने का ये मतलब है कि वो अगर इंटरेस्ट ब्याज दे रहा है तो उस ब्याज पर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, इनके कहने का ये मतलब है। और यहाँ पे बोला गया है कि मनी लेंडर पे द टैक्स ऑन द इंटरेस्ट इनकम। अच्छा जी, तो दूसरी बात ये बोली गई है क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम पर मनी लेंडर पे कर रहा है टैक्स। मनी लेंडर मतलब उधार देने वाला, उधार देने वाले के लिए वो इंटरेस्ट तो उसकी इनकम हुई ना, और ऑब्वियसली मनी लेंडर अपना ITR भरेगा तो वो दिखाएगा कि मेरे को ये इनकम हुई है। तो ये दो बातें निकल करके आई, पहली कि कंपनी क्या कर रही है, ऑलरेडी टैक्स पे कर रही है और बचा हुआ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में बांट रही है एज अ डिविडेंड। तो इकोनॉमिस्ट जी कह रहे हैं कि इन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी पे कर दिया। और दूसरी बात बोली गई है कि अगर उधार लेने वाला उधार ले रहा है तो उसको भी जो वो लोन पर इंटरेस्ट दे रहा है, जो भी वो ब्याज दे रहा है, वो उसके खर्चे में से, वो उसकी टैक्स लायबिलिटी में से माइनस होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जिसने उधार दिया है वो, उसको तो इंटरेस्ट की इनकम हो गई और वो तो अपनी इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स पे करेगा। तो दोनों ही बातें सेम हैं और दोनों ही बातों पे उन्होंने बोला है कि बोरोअर नहीं देगा और ना ही शेयर होल्डर टैक्स पे करेंगे। क्यों? क्योंकि एक केस में कंपनी पे कर रही है ऑलरेडी, दूसरे केस पे देने वाला यानी कि मनी लेंडर पे कर रहा है। आगे क्या निकल करके आया, सिमिलरली इधर द कंपनी में नॉट बी लाइबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम। हाँ, वही जो मैं अभी बोला कि इधर द कंपनी में नॉट बी लाइबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम एंड शेयर होल्डर शुड पे टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम और द कंपनी शुड पे टैक्स ऑन द इनकम। अच्छा, तो बेसिकली इन्होंने बोला कि चाहे तो कंपनी पे कर दे चाहे शेयर होल्डर, एक ही हो, एक ही बंदा पे करे। अगर कंपनी पे कर रही है तो शेयर होल्डर को नहीं करना चाहिए, शेयर होल्डर पे कर रहा है तो कंपनी को पे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये निकल करके आया। अब अदर हैंड अगर हम बात करें, मतलब कुछ दूसरे इकोनॉमिस्ट लोगों का क्या कहना है, ये तो एक तरफा पॉइंट हुआ। दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि कंपनी एंड द शेयर होल्डर आर नॉट वन एंड द सेम। हाँ जी, हमने तो कंपनीज एक्ट में पढ़ा है ना कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कंपनी तो, कंपनी का अस्तित्व तो अलग है उसके शेयर होल्डर से। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये पॉइंट रख रहे हैं कि कंपनी तो अलग है, शेयर होल्डर अलग हैं, ये तो सेम है ही नहीं। कंपनी का अपना खुद का सेपरेट एंटिटी है, शेयर होल्डर का अपनी खुद की सेपरेट एंटिटी है, तो दोनों को ही टैक्स पे करना चाहिए। तो हैंस चार्जिंग टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द कंपनी एंड ऑन डिविडेंड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज जस्टिफाइड। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि दोनों से टैक्स लो, ये जस्टिफाई है। क्यों? क्योंकि कंपनी की एंटिटी अलग है, शेयर होल्डर की एंटिटी अलग है। अच्छा जी,
तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट इट इज नॉट कंसीडर्ड वेदर चार्जिंग टैक्स ऑन डिविडेंड इज जस्टिफाइड और नॉट. अच्छा, तो इनकम टैक्स एक्ट में ये जस्टिफाई है या नहीं है. इफ टैक्स इज लिवाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द सेसी इज लाइबल टू पे इट, कि अगर प्रोविजंस कह रहे हैं कि टैक्स लगेगा असेसी की इस इनकम पर तो लगेगा. तो यहाँ पे और भी बोला गया है कि टैक्स लाइबिलिटी ऑन डिविडेंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट सी चैप्टर 5. तो जब हम चैप्टर 5 करेंगे तो इसको और ज़्यादा विस्तार से हम पढ़ेंगे. आज के लिए सिर्फ इतना ही. वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग मैनेजमेंट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको अपने क्लास ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करनी है वीडियो. थैंक यू सो मच.